खबर जबलपुर से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी के मार्गदर्शन में भाजपा बूथ विस्तारक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2023 की चुनाव की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर से चुनाव की तैयारियों का आगाज किया है। जबलपुर में भाजपा की संभाग स्तरीय बूथ विस्तारक विधानसभा प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कि संभाग के नेता प्रशिक्षण कार्यशाला में पहुंचे और यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद फिर वही अपने कार्यकर्ता बूथों में जाकर अन्य कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। बूथ विस्तारक विधानसभा प्रशिक्षण कार्यशाला में शामिल होने के लिए जबलपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में 65,000 बूथ पर विधानसभा विस्तारक योजना पहुंचाई जाएगी, जिससे कि हर पदाधिकारी हर कार्यकर्ता समय लगाकर भूमिका निभाएंगे। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में 9,000 से अधिक शक्ति केंद्रों में दो दो कार्यकर्ता विस्तार के रूप में 20 जनवरी से 30 जनवरी यानी कि 10 दिन तक बूथों में रहेंगे और विस्तारक योजनाओं के माध्यम से प्रतिदिन 10 घंटे लगाकर अपने बूथ का वेरिफिकेशन करेंगे, जो कि पूरी तरह से डिजिटल होगा। 2023 की क्यों, अमित शाह जी कहते हैं 50 साल की तैयारी करना है कि प्रत्येक बूथ पर 50% से ज्यादा वोट इस लोकतंत्र की व्यवस्था में कैसे आए। हमारे प्रदेश प्रभारी जी कहते हैं कि वोट शेयर बढ़ाना है। वोट शेयर का अर्थ है कि जो हमको 40.8% एवरेज हमारा वोट है, आगामी समय में हमारा संकल्प है कि हर बूथ पर 11-12% वोट कैसे बढ़ेगा, उसके 22 प्रकार के काम बूथों पर हम करने वाले हैं। तो वोट शेयर बढ़ाना ये हमारा टारगेट है और माननीय अमित शाह जी का संकल्प है। आगामी 50 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर केवल राज नहीं करेगी, राज तो करेगी लेकिन जनता की सेवा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जनता की सेवा करेगी। बड़ी बैठक करने अच्छी बात है। हम कभी विपक्ष को अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं मानते, न हम कभी कमजोर करते। हम अपने सकारात्मक दृष्टिकोण पर, अपने संगठन की मजबूती पर और कार्यकर्ताओं के बल पर अपने संगठन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और उस काम में लगे हैं। और भगवान का आशीर्वाद है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आज जिस गति से आगे बढ़ रहा है, ये कार्यकर्ता इसके साथ मेहनत में लगे हैं। भाई साहब, कमलनाथ जी ने एक वीडियो जारी किया, ये जिस प्रकार का वीडियो उन्होंने जारी किया है, वो लोड कर रहे हैं और गन ये क्या है, ये मतलब ये देश के अंदर राजनीति में गनों की जरूरत है? जिस प्रकार का वीडियो जारी किया है, जरा देखना चाहिए उसको। समाज क्या, भारत का समाज ऐसा है? अरे ये गांधी जी का देश है। जबलपुर से आशीष वाथ्री की रिपोर्ट।